भारतीय चिंतन परंपरा में अनवरत आत्मज्ञान की कई परंपराएं विद्यमान रही हैं। योग विद्या भी उन्हीं प्राचीन परंपराओं में से एक है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, दर्शनों में योग का वर्णन देखने को मिलता है। माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि योगी के रूप में सबसे पहले सप्तऋषियों को योग से परिचय करवाया था। इसके बाद सप्तऋषियों ने योग की परंपरा को आगे बढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी योग का वर्णन श्री गीता जी में किया है। इसके आगे परंपराओं के साथ सभ्यताओं के साथ योग भी आगे बढ़ता गया। महावीर, बुद्ध, महर्षि पतंजलि ने भी योग का अपने अपने अनुसार अलग अलग तरीकों से प्रचार प्रसार किया। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में दिए अपने ऐतिहासिक भाषण में योग का उल्लेख किया। इसके बाद भी योग को वैसी लोकप्रियता नहीं मिली। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी योग से अपरिचित थी या फिर परिचित भी थी तो उसका अभ्यास नहीं करती थी। देश में भी योग को लेकर वैसी जागरूकता अभी तक नहीं आई थी। इसके आगे योग ऋषियों या फिर योग आचार्यों की एक लंबी परंपरा है। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, स्वामी कुवल्यानंद, महर्षि महेश योगी, बीकेएस अयंगर और बाबा रामदेव समेत ऐसे बहुत से योग आचार्य हुए जो योग को पहचान दिलाने के प्रयासों में जुटे रहे या फिर अभी भी जुटे हैं। इन तमाम प्रयासों को सफलता तब मिली जब वर्षों से योग का अभ्यास करने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। 177 देशों ने पीएम मोदी के प्रस्ताव का समर्थन किया। तब से हर साल पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी हर साल योग दिवस के दिन स्वयं अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों के साथ योग करते हैं। इस बार पीएम मोदी ने कश्मीर में योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। देश के हर कोने से अब योग की तस्वीरें सामने आती हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, नौकरी पेशा, व्यवसायी, सुरक्षा कर्मी, किसान, हर कोई आज योग करता है और योग के महत्व को समझाता है। पीएम मोदी ने योग को आगे बढ़कर नेतृत्व दिया। वो एक तरह से योग के ब्रांड एम्बेसडर बनकर सामने आए। इससे हुआ ये कि पूरी दुनिया भी योग की तरफ आकर्षित होने लगी। आज हम देखते हैं कि क्या न्यूयॉर्क, क्या लंदन, क्या पेरिस, पूरे विश्व में उत्साह के साथ लोग सिर्फ योग दिवस ही नहीं मनाते बल्कि अपने नियमित जीवन में भी योग करते हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से दुनिया के सामने योग को रखा उसका प्रभाव ऐसा था कि मुस्लिम देश भी स्वयं को नहीं रोक पाए। आज कई मुस्लिम देशों में भी योग होते हुए हम देख सकते हैं। दुनिया में योग के पहुंचने से और उसका प्रभाव बढ़ने से आज पूरा विश्व भारत की प्राचीन योग परंपरा से लाभान्वित हो रहा है और भारत की प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति का एहसास भी कर रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस दौर में योग भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर की तरह भी काम कर रहा है। पीएम मोदी की इस योग कूटनीति से दुनिया के कई देश सीधे तौर पर भारत से जुड़े हैं। दुनिया के जिन भी देशों में भारत के मिशन हैं वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जोरों शोरों से मनाया जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि योग भारत के पास था तो हमेशा से, लेकिन देश को और दुनिया को योग की वास्तविक शक्ति से परिचय पीएम मोदी ने कराया है और आज योग लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। धन्यवाद।